Good morning, class. Welcome to Kids Are Us. बच्चों सीनियर के जी की क्लास में आज हम कर्सिव कैपिटल एस लिखेंगे नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में। तो मैं आज आपको सिखाती हूँ कि आपको किस तरह से एस लिखना है। तो बच्चों हमारी जो इंग्लिश की बुक है 4 लाइन की, उसमें हमें लिखना है कर्सिव कैपिटल एस। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लिखना है बच्चों। तो जो देखिए हमारी ये 1, 2, 3 और 4 लाइन की बुक है, उसमें थर्ड नंबर की जो लाइन है बच्चों, वहाँ से फर्स्ट नंबर की लाइन तक हमें एक स्लांट लाइन बनानी है। इस तरह से स्लांट लाइन बनाई, फर्स्ट लाइन को टच कर दिया, यहाँ से इसे कर्व करते हुए बच्चों हमें हमारी जो सेकंड लाइन है वहाँ तक आना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आगे देखते हैं, देखिए थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, फर्स्ट लाइन को टच कर दिया, उसके बाद कर्व किया, फिर कहाँ से आए ऐसे सेकंड लाइन तक ऐसे कव करके ये यहाँ तक करना है। ये हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, थोड़ा सा कव करते हुए सेकंड लाइन को टच करते हुए वापस इस तरह से थर्ड लाइन को टच किया, जहाँ पे हमें स्लांट लाइन थी ना वहाँ तक। ये थर्ड स्टेप, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है बच्चों, हमारी थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनानी है, को टच होने के बाद इस तरह से कव किया, सेकेंड लाइन को टच करके क्रॉस करके वापस थर्ड लाइन को इस तरह से क्रॉस कर दिया। अभी जो हमारी स्लांट लाइन थी बच्चों, वहाँ से आगे जाना है, इस तरह से कव करना है, और ये कव है जो हमारी स्लांट लाइन थी ना उसको क्रॉस करके इस तरह से कर देना है। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल एस, ठीक है। ये हमने सीखा हमारी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें। अब हम हमारे टेक्स्ट बुक में देखेंगे बच्चों। तो बच्चों अब हमें हमारे जो कर्सिव की बुक है कर्सिव कैपिटल की, उसमें एस ट्रेस करना है और फिर लिखना है, जो हमारा पेज नंबर 22 है ना उस पर। देखिए सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे। तो जो ये हमारी फोर्थ लाइन है, 1, 2, 3 और 4 लाइन है, ठीक है। तो थर्ड नंबर की जो लाइन है हमारी, वहाँ से एक स्लांट लाइन बनानी है, उसको हमें कहाँ टच करना है, फर्स्ट नंबर की जो रेड लाइन है वहाँ तक इसे टच कर देना, थोड़ा सा कर्व किया, फिर इस तरह से सेकेंड लाइन को क्रॉस करते हुए हमें कहाँ पे आना है बच्चों, थर्ड लाइन तक। ये फर्स्ट जो है हमारा, इसमें हमने क्या किया, ये ट्रेस किया। अभी सेकेंड देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से थर्ड नंबर की लाइन से फर्स्ट नंबर की लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, रे लाइन को टच किया, थोड़ा सा कर्व किया, सेकेंड लाइन को क्रॉस करते हुए कहाँ पे आ रहे हैं हम, थर्ड लाइन पे आ रहे हैं। अभी यहाँ से जो स्लांट लाइन हमने बनाई थी उसको क्रॉस करते हुए हमें सेकेंड लाइन को टच करके इस तरह से स्लांट लाइन को क्रॉस करके अंदर आ जाना है। ये हो गया हमारा एस कर्सिव कैपिटल। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको लिखना है बच्चों। देखिए जो हमारी थर्ड नंबर की लाइन है, वहाँ से हमें कहाँ पे जाना है बच्चों, थर्ड नंबर की लाइन से हमें हमारी जो फर्स्ट नंबर की रेड लाइन है वहाँ तक स्लांट लाइन बनानी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से कर्व किया, फिर हम कहाँ पे आए बच्चों, जो सेकंड लाइन है ना उसको क्रॉस करते हुए हमें आना है हमारी थर्ड नंबर की जो लाइन है उसको क्रॉस करते हुए कहाँ पे जाना है, जो हमने स्लांट लाइन बनाई थी ना वहाँ से कर्व किया, फिर सेकंड नंबर की लाइन है उसको टच करके क्रॉस किया और ये अंदर आ गया। ये बन गया हमारा कर्सिव कैपिटल एस। फिर से देखिए, थर्ड से फर्स्ट लाइन तक स्लांट लाइन बनाई, थोड़ा सा कर्व किया, वापस कहाँ पे आ रहे हैं हम, सेकेंड लाइन को क्रॉस करके थर्ड नंबर की लाइन है वहाँ से ऐसे, देखिए अब मैंने क्या किया, ऊपर सेकेंड लाइन को टच किया, ये लाइन को टच करके फिर इसे क्रॉस करके मुझे अंदर आना है। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल एस, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें और कर्सिव कैपिटल की बुक है उन दोनों में कर्सिव कैपिटल एस बनाना है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अब हम मैथ्स में सीखेंगे बिफोर नंबर, ठीक है। बिफोर नंबर्स में हमें आज क्या करना है, अप टू 100 जो बिफोर नंबर है वो करने हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे दिया है 2929, ठीक है। तो 2929 के पहले क्या आएगा बच्चों, मैंने आपको सिखाया था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग में कैसे लिखना था बच्चों, सबसे पहले हमने लिखना था 1, 0, 10। अभी 0 से पहले क्या आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
टू और वन, ये ज़ीरो सिखाया था ना इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये वन ज़ीरो टेन है, तो ज़ीरो से पहले यहाँ पे क्या आया, नाइन आया बच्चों, है ना। अभी नाइन से पहले क्या आएगा, एट। तो इसी तरह यहाँ पे टू नाइन ट्वेंटी नाइन दिया है, तो नाइन से पहले यहाँ पे क्या आया था, एट आया था। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, नाइन से पहले एट। अभी ये टू है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। समझ में आ रहा है बच्चों। अभी यहाँ पे दिया है नंबर टू नाइन ट्वेंटी नाइन, तो बिफोर मतलब टू नाइन ट्वेंटी नाइन के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो टू एट ट्वेंटी। उसी तरह पे यहाँ पे दिया है थ्री थ्री थर्टी थ्री, ठीक है, तो थ्री से पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों, तो देखिए बैकवर्ड काउंटिंग में हम जाए तो थ्री से पहले आएगा ये थ्री है, थ्री से पहले आया टू, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना है थ्री से पहले टू और थ्री का थ्री, तो थ्री थ्री थर्टी थ्री से पहले कौन सा नंबर आया बिफोर में, थ्री टू थर्टी टू। उसी तरह है यहाँ पे फोर सेवन फोर्टी सेवन, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे दिया है नंबर सेवन, तो सेवन से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, ये है सेवन नंबर, ठीक है। सेवन से पहले कौन सा आया, सिक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्स और उसके आगे आएगा फोर, तो फोर सेवन फोर्टी सेवन से पहले क्या आता है, फोर सिक्स फोर्टी सिक्स। अब आगे देखते हैं, अब है नंबर सेवन एट सेवेंटी एट, ठीक है बच्चों। तो वापस मैं दिखाती हूँ, टेन ज़ीरो से पहले नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे है ज़ीरो, ज़ीरो से पहले क्या आया, नाइन, नाइन से पहले एट, एट से पहले सेवन, सेवन से पहले सिक्स, सिक्स से पहले फाइव, फाइव से पहले फोर, फोर से पहले थ्री, थ्री से पहले टू, टू से पहले वन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नंबर दिया है सेवन एट सेवेंटी, तो यहाँ पे एट दिया है पीछे, तो एट से पहले कौन सा नंबर है, एट से पहले आएगा सेवन, और यहाँ पे सेवन तो है ही, तो हमें यहाँ पे लिखना है सेवन। तो सेवेंटी एट से बिफोर यानी सेवेंटी एट से पहले नंबर आएगा सेवन सेवन सेवेंटी सेवन, ठीक है। अब उसी तरह है यहाँ पे एट वन एटी वन, ठीक है ना बच्चों। अभी एट वन एटी वन, तो मैंने यहाँ पे वन तक लिखा था, तो वन से पहले क्या आएगा बच्चों, ज़ीरो, ठीक है, वन से ऊपर आता है ज़ीरो। तो यहाँ पे है वो नंबर वन, तो वन से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वन, तो बच्चों वन जो यहाँ पे नंबर वन दिया हुआ है एट वन एटी वन में, तो नंबर वन से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, वन से पहले आएगा ज़ीरो। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ नंबर सारे लिख के, ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं बैकवर्ड काउंटिंग में लिखूँ, बिफोर में मुझे आगे का नंबर देखना है, तो मैं बैकवर्ड काउंटिंग में लिखूँ तो वन ज़ीरो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड ज़ीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर दिया है एट वन एटी वन में वन नंबर, ठीक है, तो वन से पहले कौन सा नंबर आया बच्चों, वन से पहले आया ज़ीरो, तो हम ज़ीरो लिखेंगे यहाँ पे, और ये एट का एट यहाँ पे, तो एटी वन से पहले का नंबर आएगा एट ज़ीरो एटी। अभी यहाँ पे दिया है वन डबल ज़ीरो हंड्रेड, ठीक है बच्चों, तो ज़ीरो से जो पहले का नंबर है, ठीक है बच्चों, ज़ीरो से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, अब हम देखते हैं ज़ीरो से पहले कौन सा नंबर आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वन ज़ीरो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड ज़ीरो, ठीक है बच्चों। अभी वन से पहले ज़ीरो आता है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो से पहले कौन सा नंबर आएगा, देखिए हमने यहाँ पे वन ज़ीरो टेन लिखा था, तो ज़ीरो से पहले क्या आया था यहाँ पे, नंबर नाइन, तो हमें यहाँ पे लिखना है नंबर नाइन, ठीक है। उसी तरह आगे भी एक ज़ीरो, तो वापस हमें क्या लिखना है, नाइन, ठीक है। तो वन डबल ज़ीरो हंड्रेड से पहले आएगा नाइन नाइन नाइन्टी नाइन नंबर। देखिए मैंने आपको यहाँ पे नोटबुक में सिखाया है कि आपको आपके जो बिफोर नंबर है वो कैसे करना है। सबसे पहले है टू नाइन ट्वेंटी नाइन, तो नाइन से पहले एट आया और टू का टू, तो टू एट ट्वेंटी एट हो गए, ट्वेंटी नाइन से पहले का नंबर है टू एट ट्वेंटी एट। उसी तरह थर्टी थ्री, थ्री थ्री थर्टी थ्री से पहले है थ्री टू थर्टी टू नंबर। फिर है फोर सेवन फोर्टी सेवन, तो फोर्टी सेवन से पहले का नंबर है फोर सिक्स फोर्टी सिक्स। अब आगे देखते हैं, अब है सेवन एट सेवेंटी एट, तो सेवन एट सेवेंटी एट से पहले सेवन सेवन सेवेंटी सेवन। उसी तरह एट वन एटी वन है, तो एट वन एटी वन से पहले नंबर आएगा एटी, यानी बिफोर नंबर आएगा एटी,
ठीक है, अभी 100 है, तो 100 से बिफोर यानी पहले नंबर आएगा 9919 है। तो इस तरह से आपको आपकी जो मैथ्स की आपकी नोटबुक है बच्चों उसमें कर देना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें प्रोजेक्ट बुक में पेज नंबर जो हमारा है 48A उस पर सीखेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको लिख के दिखा है कि फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट नंबर, मतलब जो बॉक्स दिए उसमें करेक्ट नंबर यानी सही नंबर आपको भरने यानी लिखने। सबसे पहला है आफ्टर नंबर, आफ्टर यानी बाद में, फिर है बिफोर यानी पहले, और बिटवीन यानी बीच में। तो आफ्टर यानी जो नंबर दिया है उसके बाद का नंबर, बिफोर यानी जो नंबर दिया है उसके पहले का नंबर, और बिटवीन मतलब जो दो नंबर दिए उनके बीच का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला है 6060, तो 60 के पहले क्या आएगा 6161। मैंने आपको बोला था बच्चों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो मैंने आपको बताया कि 0 यहाँ पे 6060 है। ठीक है, तो 60 के बाद में क्या आएगा 6161। ठीक है, उसी तरह अब हमें नंबर दिया है यहाँ पे 1616 दिया है, तो हम अगर 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 यहाँ पे नंबर दिया है 1616, तो 16 के बाद क्या आया, 16 के बाद 17 आया ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1717। उसी तरह 9 to 92 है बच्चों। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, तो यहाँ पे 9 to 92 के बाद आएगा 9393। ठीक है, 2525 है, ठीक है, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2626। इस तरह से फिर बच्चों आपको आपके आफ्टर नंबर्स करने हैं। अब हम सीखेंगे बिफोर नंबर यानी जो पहले का नंबर होता है। अभी यहाँ पे नंबर दिया है 7, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग सीखे थे ना बच्चों, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, उस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग से ही हम बिफोर नंबर सीख पाएंगे। देखिए, बिफोर नंबर यानी जो नंबर दिया उसके पहले का नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर 8 है, तो यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 के पहले क्या आएगा बच्चों 7, यहाँ पे 7 है। उसी तरह 1919 है, ठीक है बच्चों, 1919 है, तो 9 से पहले का नंबर कौन सा है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे आएगा 1, तो 1818 हो गया बिफोर नंबर, 19 से पहले 1818। अभी यहाँ पे 8880 है, तो 8 से पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 8 से पहले आता है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 8787। उसी तरह 3434 है, तो 4 से पहले आएगा 3, तो 3333, ठीक है ना, 3434 से पहले का नंबर है 3333। तो इस तरह से आपको बिफोर नंबर करने हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ बिटवीन नंबर, बिटवीन नंबर यानी दो नंबर दिए हो उसके बीच का नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 18 नंबर तक लिखा, तो यहाँ पे आपके पास है 16 और 18, देखो ये 16 है और ये 18 है, तो ये बीच का नंबर कौन सा है 17, तो यहाँ पे आ गया 17 नंबर। तो जो दो नंबर दिए हो बच्चों उसके बीच का नंबर यानी जो फर्स्ट नंबर दिया है उसके बाद का और लास्ट दिया है उससे पहले का नंबर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4949 और 5151, तो 4949 5050 5151 यानी 49 के बाद में और 51 के पहले, तो उसको बोलेंगे बिटवीन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 4949 के बाद आएगा 5050 और 5151 से पहले आएगा 5050, समझ में आया। तो इस तरह से फिर आपको बिटवीन नंबर्स भी करने हैं बच्चों। अभी यहाँ पे 4545 है, तो 4545 4646 4747 45 और 47 के बीच में आएगा 4646 नंबर, ठीक है, यानी 45 के बाद 46 आता है, 47 के पहले 46 आता है। इस तरह से आपको पेज नंबर 848 है उसका ए कंप्लीट करना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको इस तरह से लिखना है। अब हम पेज नंबर हमारा जो 48B है उस पर जाएंगे, वहाँ पे लिखा है राइट द नंबर्स बिफोर यानी पहले के नंबर, राइट द नंबर्स आफ्टर यानी बाद का नंबर, राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन यानी नंबर लिखो जो दोनों के बीच में आता हो। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है 1111, ठीक है बच्चों, तो बिफोर बिफोर बोला है यहाँ पे, तो 1111 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले क्या आता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ चलो 10 9
एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और ज़ीरो। वन से पहले क्या आएगा बच्चों? ज़ीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन से पहले क्या आएगा? ज़ीरो और ये वन। तो इलेवन से पहले आएगा टेन। अभी यहाँ पे नंबर एट है, तो एट से पहले कौन सा नंबर आया बच्चों? यहाँ पे सेवन है ना, तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे वन सेवन सेवनटीन। एटीन के पहले का नंबर है वन सेवन सेवनटीन नंबर। अब हम आफ्टर नंबर देखते हैं, आफ्टर यानी बाद का नंबर। तो यहाँ पे नंबर दिया है वन ट्वेल्व वन टू ट्वेल्व, ठीक है। यहाँ पे लिखो वन वन इलेवन वन टू ट्वेल्व वन थ्री थर्टीन वन फोर फोर्टीन वन फाइव फिफ्टीन, ठीक है। ये वन टू ट्वेल्व, तो वन टू ट्वेल्व है, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा बच्चों? वन थ्री थर्टीन। टू के बाद क्या आएगा? थ्री, और वन का वन, तो वन थ्री थर्टीन। वन सेवन सेवनटीन है, तो सेवन के बाद क्या आएगा? एट, तो यहाँ पे वन एट एटीन। टू फाइव ट्वेंटी फाइव है बच्चों, तो फाइव से सॉरी फाइव के बाद क्या आएगा? आफ्टर यानी बाद में, तो फाइव के बाद में आएगा सिक्स, तो टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स। इस तरह से आपको आफ्टर नंबर्स करने। अब है बिटवीन नंबर यानी बीच का नंबर। तो यहाँ पे दिया है नंबर टेन और नंबर ट्वेल्व, तो मैं टेन से स्टार्ट करूँ। टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, ठीक है। यहाँ पे है टेन, तो टेन है, और यहाँ पे ट्वेल्व, तो ये रहा ट्वेल्व। तो टेन और ट्वेल्व इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है? वन वन इलेवन। तो हमें दोनों के बीच का नंबर लिखना है, यानी टेन के बाद का और ट्वेल्व के पहले का नंबर लिखना है। उसी तरह पे यहाँ पे वन एट एटीन और टू ज़ीरो ट्वेंटी, तो वन एट एटीन और टू ज़ीरो ट्वेंटी के बीच में कौन सा नंबर आएगा? वन नाइन नाइनटीन, यानी वन एट एटीन के बाद और टू ज़ीरो ट्वेंटी से पहले, वो नंबर को बोलते हैं बिटवीन नंबर। तो जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरह से फिर आपको करना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि किस तरह से आपको बिफोर नंबर आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर्स करने हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने सबसे पहले कर्सिव कैपिटल एस सीखा नोटबुक में, फिर हमारी कर्सिव कैपिटल की बुक में, फिर हमने सीखे मैथ्स में बिफोर नंबर्स अप टू हंड्रेड के, और बाद में प्रोजेक्ट बुक में क्या क्या सीखा बच्चों? हमने आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर पेज नंबर हमारा 48A और 48B पे, ठीक है। तो सीनियर केजी की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।